किती महिने नंतर पाणी आले? 2 महिने नंतर पाणी आले. आम्ही डोक्यावर पाणी वाहू ना आंघोळीला पाणी आणि तुपेला पाणी आणि आंघोळीने विकत घेतो. आम्ही 60-60 रुपये नदी पड घेतो. एवढीच विहीर आहे, 10 लाखाची विहीर खणली, 2 लाखात पुरी गेली, 10 लाख सांगितली. गरीबाला मुंडा आला, गरीबाला मुंडा आला, दुसरं काहीच नाही. पाणी वाहता वाहता माझ्या पोटामध्ये गाठ जाय, गाठी का ऑपरेशन वेळ माझे अंडे घेऊन पडली गेली रूम. अरे काय मुलगाच आहे त्यांचा, हा मुलगाच आहे त्यांचा. हो आणि तुम्ही आता पहिला लगेच टँकर देऊ शकता बरं, म्हणजे एवढं लगेच टँकर त्यांना समजेल गावाला. त्याला फोन लाव, विठ्ठलला फोन लाव. सदस्य पर निफाड़ से हूँ. ये भी लोग हमारे ही लोग हैं, ये नासिक जिले में आता है. हमारा सब जो काम चलता है हमारा घर का, वो सब पूरे जिले में चलता है. हमारा एक NGO है, उसके मार्फत हम काफ़ी काम करते हैं. इन लोगों को ऐसे मेरे गाड़ी को रोका, जब तब मैंने उनको पूछा क्यों रोक रहे हैं. सब महिलाएं थी और इन लोगों ने यहाँ पर मुझे जो पानी दिखाया, इतना दूषित पानी है वो कि ये कोई भी नहीं पी सकता. मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग भी तो इंसान है ना, हम इंसानों को जैसे क्यों नहीं ट्रीट कर सकते.
कि मैं यहाँ से जाने नहीं वाली जब तक यहाँ पर अच्छा पानी आता नहीं है, क्योंकि ये प्रशासन का कहीं को भी ढीलापन है, प्रशासन ये सीरियसली नहीं ले रहा है, यही मुझे लग रहा है। इसलिए मैं जब तक अभी 15 मिनट में एक टैंकर आने वाला ये लोग कह रहे हैं, तो जब ये टैंकर आएगा अच्छा पानी दिखेगा तो मैं यहाँ से जाऊँगी। अथवा मैंने CEO जी को भी फ़ोन किया है, मैंने यहाँ के MLA को भी फ़ोन किया है, देखते हैं क्या करते हैं लोग।